press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को और उनके शो पे होंगे एक स्पेशल गेस्ट। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। कई लोग जो आप लोग देखते रहते हैं, ये हमारे साथ चाइना से ज्वाइन कर रहे हैं सुमित जैन साहब, आप लोग देखते रहते हैं, इनको एनालिस्ट भी हैं और कारोबारी आदमी हैं, वैसे अपना यूट्यूब भी चलाते हैं, इंडिया से ताल्लुक है लेकिन चाइना में आबाद है और वहां पे इन्होंने इंडिया का झंडा उठाया हुआ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को। इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही है मैं जर्नलिस्ट, अब सीनियर और जूनियर मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहता, फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी हमें ज्वाइन कर रही है, थैंक यू वेरी मच। और इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑल द वे फ्रॉम इंडिया रोहित शर्मा साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको भी हम कहेंगे थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, पखैर रागले और जिया यानू। तो आप सबको, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहेंगे कि यार हम आज कर क्या रहे हैं, क्या करने हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो बिल्कुल बात होगी, गपशप भी होगी, आप लोगों के कमेंट्स भी होंगे, सब कुछ चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ के एक इनको क्या कहूँ, बाबू भैया तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बाबू भैया का जो करेक्टर है वो मेरा फेवरेट है और वो बड़ा मजे का आदमी है। तो ये है हमारे साथ, ये जो मैं बाकी किसी और की बात नहीं कर, ये लाल टोपी वाले सब लोग जानते हैं इनको, इसके हवाले से हम लोगों ने बात करनी। मैं फ्रेम नॉर्मल कर लेता हूँ क्योंकि इनकी वजह से, आरजू ने शो से पहले कहा कि इनकी वजह से यार फ्रेम खराब नहीं करना, तो हम नहीं करना चाहते, सॉरी मैं वापस उस फ्रेम पे आ जाता हूँ, बेशक लाल टोपी वाला उधर हो या इधर हो या कहीं और हो। लेकिन मैंने एक बात कही आरजू से और ऑन लाइट नोट सुमित जैन साहब और इन्होंने भी सुनी, मैंने कहा यार बड़ा उन्होंने तहलका मचाया हुआ है, बड़ा हिला के रख दिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को। अब पता नहीं क्या कहा उन्होंने और क्या नहीं कहा वो अलग बात है, कितना सीरियस लिया गया और कितना मजाक उड़ाया गया वो भी एक अलग कहानी है और वो हम पूछेंगे इन सब पैनलिस्ट से और यकीनन आप लोगों से भी पूछेंगे कि कितना आप लोगों ने इनकी बातों को कहां तक आपने मतलब सीरियस लिया हो या वैसे ही ऑन लाइट नोट एंजॉय किया हो। तो यकीनन आप कमेंट्स, हमारे पास सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर आप बात कर सकते हैं। और शुरू करेंगे जी चाइना से, हमारे साथ सुमित जैन साहब ज्वाइन करें। सुमित जैन साहब ने आज मुझसे पूछा कि ये जैद हामिद साहब कौन है, मैं कहा सर अगर आप उनको नहीं जानते तो आप ज्यादती कर रहे हैं, आजकल वो नरेंद्र मोदी साहब के लेवल पे ना चरांगे मार रहे हैं मेंढक की तरह, लेकिन खैर एनीवे उन्होंने अभी तक उनको लिस्ट नहीं कराई और ना कराएंगे। तो ये वो आदमी है जिसके वाले से हम आज शो करें। सुमित जैन साहब क्या कहेंगे, वहां पे दो बड़े मतलब दो लोग बैठे हुए, तो मैं ये नहीं कहूंगा दो बड़े काबिल लोग बैठे हुए थे, लेकिन दो लोग बैठे हुए थे, एक हमारे फॉर्मर हाई कमिश्नर और एक यही साहब बैठे हुए थे, और वो कह रहे जी मैं तो यकीन नहीं करता कि इस तरह का कुछ है भी, मैं क्यों यकीन करूं, मुझे किसी ने सबूत नहीं दिया। तो सर आप चाइना में बैठे हुए तो आप वहां से कुछ सबूत अगर दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। देखिए उन्होंने बात करी, सीरियस नहीं होना आपने। नहीं 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 मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं जैसे वो आदमी है लाल टोपी वाला, हमारे यहाँ पे भी एक लाल टोपी वाला है यूपी में, हम उसको भी सीरियस नहीं लेते, नहीं टोंटी चोर बोलते हैं उसको, तो वही हाल इनका भी है। तो ये भी टोंटी वाले आदमी है, तो इन्होंने टॉट मारा, हवा एक टॉट मारा है, तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ कि जो ये लाल टोपी है ना, ये ऐसा आदमी है जो हम भारत में देखते हैं इसको, ये अपने बाप से पूछेगा तू मेरा बाप है इसका सबूत दे, तो ये वो वाले लोग हैं, और इनको वो सबूत मिल भी जाए तो भी कहेंगे मैं मानूंगा नहीं। So, इनका कोई हाँ मैं ना मानू तो ना। अब ऐसे जो लोग हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए परफॉर्मेंस का कोई पैरामीटर ही नहीं है। देखिए फकार भाई, आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो ना तो आप कहते हैं कि ठीक है आपने ये कर दिया तो हमने ये कर दिया, तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो इसलिए तारीफ भी नहीं कर सकते भारत की, क्या करें, लाल टोपी डाली हुई है रोज बंदूक लेके हाथ में, हम भारत में फतेह करेंगे, हम गज़ब हिंद करेंगे, जी जी हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, अब हम पहुंच गए चांद पर वो पहुंच गए नरक में, अब वो वहां से आवाज भी नहीं पहुंच रही हमारे पास, तो दिस इज जस्ट फॉर गिमिक्स। और लोग जो है आपके देश में मुझे समझ नहीं आती, इतना खुश होते हैं ऐसी बातें सुनकर कि देखिए जी लाल टोपी ने कैसे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, और भाई हमारी कांपे टांग रही यहाँ बैठ के उसकी बातें सुन के, और हमें हमें पसीने आ रहे हैं और कांपे टांग रही हैं, और हमें समझ नहीं आ रहा कि जब बारिश गिरेगी तो कितना पानी आएगा।
ये हालत बार। हमारी। अच्छा आरजू, ये जो सुमित जैन साहब कह रहे हैं कि जी हम बड़े परेशान हो गए उनका स्टेटमेंट सुन के, अब हम कहते हैं कि पता नहीं सबूत कहाँ से लाए और ये क्या करें क्या ना करें, तो आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तानी लोग भी बड़ा सीरियस ले रहे हैं उन इस आदमी को जिन्होंने कहा है? इंडिया में तो चलो वो कह रहे हैं, भी रोहित भाई से भी पूछेंगे, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तानी इनको बड़ा सीरियस लेते हैं? मुझे तो लगता है कि ये भी यहाँ पे इनको एज ए जोकर लिया जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में लोग इनको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। और ठीक है, इनकी स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो इवन इमरान खान की स्टेटमेंट्स हो, कोई उनको भी सीरियस नहीं लेता था, खान साहब को भी। और ये वैसे जो जैद आमिर साहब करते, मेरा ख्याल है कि ये मीडिया में रहने की टैक्टिक्स होती हैं। और आप देखिए कि जब उन्होंने ये बात की है तो उसके बाद से लोग अभी तक, चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल हो, इंडिया के टीवी चैनल्स हो, कोई भी पाकिस्तानी चैनल हो, सब इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। और हर एक जो है वो उनका नाम ले रहा है, जो लोग उन्हें भूल गए थे उन्होंने एक बार फिर याद आ गया कि कोई जैद आमिर साहब भी थे। और चाहे आप मेजर गौरव से लेकर और जितने भी इंडिया पाकिस्तान के चैनल्स हैं, सभी इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत अच्छी एक तरीका जो है वो अपनाया, उन्होंने बहुत अच्छी एक गेम खेली, जिसके बाद एकदम से हर तरफ उन्हीं का नाम लिया जा रहा है, उन्हीं उन्हीं की बात की जा रही है। और ये जो लोग मीडिया में काम करते हैं, मेरा ख्याल है उनको भी ये टैक्टिक्स सीखनी चाहिए। और इमरान खान के साथ भी यही था, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई थी तो वो लोग बड़े परेशान थे, पाकिस्तान के ही नहीं इंडिया के भी बहुत से लोग परेशान थे कि यार अब हम वीडियो किस पे बनाएंगे, क्योंकि खान साहब की जो स्टेटमेंट्स आती थी अजीब अजीब सी। तो लेकिन खैर, उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने भी कुछ कम जो है वो इंटरटेनमेंट नहीं दी। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस बात को पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे, और बाकी लोग भी सिर्फ इनकी बात को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे पहले वो गजवा हिंद कहा करते थे, हम वहां चले जाएंगे, फिर एक उनकी वीडियो और थी जो मैंने अपने शो में दिखाई थी, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि 5 साल बाद बस सब लोग जो है वो जैसे हमारे ही आगे आगे खड़े हुए होंगे, और हम जो है वो चांद में बैठे होंगे, और चांद का रास्ता भी लोग अभी से पूछ रहे होंगे। तो वो इस किस्म की बातें किया करते हैं, और मेरा ख्याल है उसमें नाराज होने की बजाय उस चीज को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो भी मेरे ख्याल ब्लॉक है। ये रोहित बता सकेंगे, रोहित भाई अच्छा क्या हो जी, रहा है? रोहित भाई तो बड़े उदास बैठे हुए हैं, मुझे लगता है इन्होंने बहुत सबसे ज्यादा सीरियसनेस इन्होंने शो की है उनके स्टेटमेंट के हवाले से। रोहित जी की हो गया भाई, आपको तबीयत है ना, आपकी तबीयत वबीयत सही है? चाय शाय पिए यार? चाय तो आप तो चाय नहीं पीते, आप तो चाय नहीं पीते, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। नहीं, ये आपको कौन बता गया कि मैं चाय नहीं पीता? आप अपने आप में मतलब ऐसे स्टैंडिंग स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो दे देते हैं, बिल्कुल पीता हूँ, अच्छी तरह से पीता हूँ। वो तो रोहित भाई रंग देख के पता लग जाता है कि चाय कितनी पीते हो आप। ऐसा थोड़ी है, हम पीने नहीं, ना हम कभी नहीं छोड़ते। लेकिन रोहित से पहले मैंने भी एक सवाल करना है, इससे पहले कि वो आप फखर की बात का रिप्लाई करें। रोहित जी जरा मुझे बताइए कि वो आज मैंने आपका नंबर दिया था, एक टीवी चैनल ने मुझे कांटेक्ट किया था, हरीम शाह का नंबर ढूंढ रहे थे, तो मैंने आपका नंबर दिया था कि इनसे पूछ लीजिए क्योंकि इनकी बातचीत होती रहती है, तो आपने नंबर दिया। तो आपको लगता है कि सारे जितने भी चैनल है वो मुझे पहचानते नहीं है, वो मेरे को जानते नहीं है? आप उनको मतलब उसमें से किसी का मुझे फोन आएगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि रोहित के पास नंबर नहीं है। ये नंबर नहीं देगा, नहीं नहीं वो कहेंगे ये नंबर नहीं देगा, इसलिए कॉल नहीं करते। वो नंबर इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज इनके पास पर्सनल नंबर है, ऑफिशियल नंबर ही दे नहीं सकते, पर्सनल नंबर देना नहीं चाहते। नहीं, वही नंबर है जो शेख राशिद ने उठाया था, वही वाला नंबर है मेरे पास। हाउ डू यू नो दिस थिंग? हाउ डू यू नो कि वही नंबर है आपके पास? नहीं, सबूत तो सबूत नंबर है, लाइव शो में देखिए सबूत शेख मिल गया। ने उठाया था। अच्छा, ये लाल टोपी की तरह आप भी सबूत मांग लो? नहीं है ना, नहीं नहीं ये मेरे ये सबूत है कि आपने कहा जो शेख राशिद ने नंबर उठाया वही आपके पास है, वही आपके पास है। इससे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं इससे पहले रोहित को जो है वो पुन्नू की बात पे भी एक्सपोज कर चुकी हूँ। पन्नू 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 सॉरी, इसके अलावा एक और बंदा भी आया यार, जिसने जो आप इनके दोस्तों का नाम सही लिया ही करें, एक महीने के बाद सही कह रहे हैं। नहीं, उनके भी काफी कनेक्शन नजर आए थे, मिले थे, और कहते हैं कि बड़ा इनका रोल था, स्टोरीज भी की थी इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव के। कौन कौन सर, मुझे किधर नाम आता है, मैं इतना काबिल आदमी होता तो फिर तो क्या बात थी। नहीं, बुन्नू नाम है ना,
सही है, पन्नू मैंने यार, वो पन्नू, वो पन्नू और था, एक और केस भी आया था, वो जो गुम हो गया था बन्ना, और पतवंत सिंह पन्नू नाम है उस आदमी का। नहीं नहीं वो ये उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका तो गवर्नमेंट भी ढूंढ रही है, अच्छा 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 वो मिल भी जाएगा। चूहा है, चूहा। देखिए दो नाम ऐसे हैं जो रोहित जी के सामने आप गलत नहीं ले सकते, एक है पन्नू दूसरा हरीम शाह। हलीम, हाँ बिल्कुल, और हलीम, सीमा हलीम भाभी जी भी, यार, सीमा सीमा भाभी भी तो हलीम इनके जी घर के पास ही रहती है, और इनके घर के पास ये चक्कर लगाकर भी 2 बार आए, इन्होंने मुझे खुद बताया था। गॉड, बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। अभी तक इन्होंने इंटरव्यू। अच्छा जी जी रोहित साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। नहीं नहीं ये जो मेरी पीए बन करके बता रही है ना, मैं कहाँ गया था और कहाँ नहीं गया था, मैं पहले उनसे बात कर लेना चाह रहा था कि प्लीज सर आप करें ना मैं हमको। किसके। हाँ, ये जो मैडम के पास मेरी सारी रिपोर्ट होती है ना, मतलब मेरा गूगल अर्थ का पूरा एक यू नो गूगल, इस पे एक वो होता है गूगल अर्थ, जी आप जी उसको अगर ऑन कर दें तो आपकी सारी लोकेशन इस पे ट्रैकिंग स्टोर कर रही रहती है होती कि है, कहाँ ये पे। रोहित शर्मा साहब की ट्रैकिंग हो रही होती है कि कहाँ पे बैठे हैं, ट्रैकिंग हो कहाँ रही गए होती है, हुए हैं, मैं अपनी कैसे ट्रैकिंग रखता मीटिंग है। हूँ। जी, भरोसा नहीं है ना आजकल, मेरे पता, मेरे दुश्मन भी बहुत है, पता नहीं कौन उठा के नहीं ले नहीं जाए, तो पुलिस तो वो अंदाजा ढूंढेगी हो ना, रहा मुझे, नहीं ना अंदाजा हो रहा है सही दुश्मन बात। कुछ भी करेंगे उठा के नहीं ले जाएंगे, आपको गारंटी है इस बात की, कोई भरोसा नहीं नहीं है ये तो हमारे वो, अब मैं पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं नाम लेना चाहिए, वो समद भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनके हवाले से भी यही बात हो रही थी कि वो जब सारे पीटीआई के लोग पकड़े गए थे तो हाँ। वो कह रहे थे कि मतलब वैसे हम ऑन ए लाइट नोट बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, फैमिली फ्रेंड है, तो वो कुछ हमारे और दोस्त उनको कह रहे थे कि सर आपको नहीं पकड़ेंगे। मैं कह यार क्यों नहीं पकड़ेंगे, पीटीआई से ताल्लुक है, पीटीआई झंडे के नीचे तले मतलब ये झंडा लेके फिरते हैं और फाउंडर लोगों में से पुराने, तो मैं कह क्यों नहीं पकड़ सकते, आप अगर जबरदस्ती पकड़वाना चाहते हैं तो अलग बात है। तो देखिए रोहित भाई को भी पकड़ पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो आप आरजू कह रही है ना कि नहीं पकड़ सकते, तो ऐसी 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 कोई बात नहीं है। जिस समत का आप नाम ले रहे हैं ना, दो जी बार वो पुलिस की वैन की हेडलाइट फोड़ चुके हैं, तब भी पुलिस ने बोला जा हमें नहीं पकड़ना तुझे। और बोलो तो भैया ऐसा है, वो पकड़ेगा कौन समत को पकड़ ये जो के। अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने फोन सबसे पहले नहीं मेरा नंबर भी है सर बताई के पास, मुझे मेरे कोई भी बात पड़े नहीं, हैं, एक बार क्या हो रहा था, मुझे नहीं जूते एक मारने उन्होंने। भाई एक टाइम क्या हो रहा था कि ना बहुत टाइम से ना इंडियन टीवी चैनल जो है उस पे कोई शो ही नहीं हो रहा था पाकिस्तान का, मतलब सब कुछ किया हमारी तरफ से, इमरान खान की स्टेटमेंट भी चली गई, सारे पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट, आर्मी चीफ जो बोल सकते थे हम लोगों ने सब बोल दिया, और वहां पे सन्नाटा क्योंकि आपके कोई इलेक्शन चल रहे थे, हम लोग बोर हो रहे थे यार, कोई चैनल बुलाई थी ना, तो लास्ट हमने कहा हम क्या करेंगे, एटम बम मार देंगे, ये लोग बुलाएंगे आखिर करें क्या, हमने तो सभी कुछ कर लिया। तो ऐसे ही कुछ मेरा ख्याल है समझ का भी है कि सब कुछ ट्राई कर लिया, मेरे घर में डिनर था और मैं उनको हर दूसरे दिन रिमाइंडर भेजती थी, तो कहते थे हाँ आ जाऊंगा अगर अरेस्ट ना हो गया, मैंने कहा यार क्यों अरेस्ट हो जाओगे तुम, पूरी कोशिश, उन्होंने पूरी कोशिश ये कर ली, जाती है, ये जाती है, ये जाती है। दो बार पुलिस वैन का शीशा फोड़ चुके, एक बार शाहबाज शरीफ के घर पे पत्थर मार चुके, सब कुछ कर चुके हैं वो फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ, पुलिस उनको पकड़ती है वापस उनके घर छोड़ जाती है कि भाई यहाँ से बाहर मत निकलना नेक्स्ट टाइम तो, और पूरी कोशिश हो चुकी है, आप टेंशन मत अब मैं इस लीजिए पे ना उनको कुछ कोई। नहीं कहूंगा, हाँ हमारे हमारी यहाँ कंट्री में दो लोग हैं, एक समद और एक मैं, हम बैठ गए सही फड़ 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 बोलते, फिर भी हमें कोई कुछ नहीं कहता यार क्या हो गया, और या हमारे हमें हम लोगों आरजू को और मशकूक बना दिया इन लोगों ने नहीं, कि यहाँ किसी ने आखिर क्यों लिखा नहीं ले भी है जाए। व्हेन व्हेन विल आरजू जी लीव पाकिस्तान सर, तो मैडम आप जवाब दे रहे हैं उनको। बस जैसे ही कोई वीजा मिला, मिल ही नहीं रहा अच्छा वीजा नहीं मिला, नहीं अब नेपाल का पाकिस्तान का मिल जाएगा। पासपोर्ट रखोगे, ना, अगर पासपोर्ट रखोगे पाकिस्तान का, वीजा मिलना ऑफ कोर्स मुश्किल ही होगा आपके लिए। नहीं तो सुमित साहब नहीं अब मुश्किल तो पासपोर्ट का है, क्या करें, पासपोर्ट ऐसे तो नहीं चेंज होगा ना, वीजा लगेगा तो फिर जाके बंदा पासपोर्ट चेंज करवाता है ना, यहाँ तो चेंज होना तेरा नहीं, ट्राई अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का पासपोर्ट लग वो जाएगा लोग यार, देंगे ना, वो मेरा नहीं वो मिलता, वो सबसे मुश्किल है, यकीन करें रोहित भाई मैं नहीं, काबुल जा चुका हूँ वहां पे, नहीं इतना मैं समझ रहा था कि वैसे ही मिल जाएगा, नहीं मिलता सर, वो ऐसे नहीं है कि जो हम समझ रहे हैं, नहीं देते, वो नहीं पाकिस्तान की तरह मगर नहीं है, नहीं पाकिस्तान की सर तरह नहीं, ये बात मेरा सुन, तो यू आर वो राइट सर, पासपोर्ट यू आर देखते राइट हैं, सर, पासपोर्ट आगे के बाद वो मेरा बैंक अकाउंट देखते हैं, उसके बाद कहते हैं बीबी आप करोगी क्या जाके ना, वहां छोड़ो यही बैठो चने वने खाओ, तो मेरा वीजा रह जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अपने विचार वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं,
हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।